सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज हम आप सबों के बीच प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं। हमारे आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में पहली बार इस देश के सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति पद के लिए हमारे इस देश के एक आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया। ये आज़ाद भारत में ये पहली बार ऐसा निर्णय हुआ है और यह निर्णय एनडीए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने यह निर्णय लिया है। ये आज देश भर के सभी जनजाति समुदाय को, आदिवासी समुदाय को, आदिवासी लीडर को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और यही नहीं, गांव गांव से यह संवाद, संदेश, स्वागत इस निर्णय के लिए हो रहा है। ऐसे समय में मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल का प्रदेश हो, मणिपुर का प्रदेश हो, चाहे वो साउथ का कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु जैसे जगहों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, यही नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक में हमारा जनजाति समुदाय रहता है, वहाँ भी ऐसे निर्णय को बहुत ही गर्व के साथ यह स्वागत किया जा रहा है। और आज मैं बता सकता हूँ आप सबों के बीच में, हमारा कई जो ट्राइबल जो एसोसिएशंस हैं, ट्राइबल हमारा समितियाँ हैं, ऐसे में जो गवर्नमेंट जो एसोसिएशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन जो ट्राइबल एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग भी यह जो है पत्राचार कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे एनडीए के नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को कि यह निर्णय बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, ऐसा पत्र उनके पास भी दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं झारखंड के संदर्भ में कहूँ तो जब से यह निर्णय हुआ, यहाँ हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी इस प्रदेश के अंदर आई और यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे एनडीए के सभी नेताओं से, माननीय विधायकों से, सांसदों से वो शिष्टाचार भेंट करने के लिए आई है। उस समय से भी यहाँ की कई जनजाति समुदाय अपने पत्रों के माध्यम से अभी यह जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को। और इसी बीच में हम लोग जो है पूरे देश भर के जनजाति समुदाय के साथ किस प्रकार से जो खुशी व्यक्त करना है, कैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे, इसलिए भी कार्यक्रम तय हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि हम पूरे देश भर के, हमारा जो जनजाति गांव है, आदिवासी गांव है, उन आदिवासी गांव में हम जो है ग्राम सभा का एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि ये जो है निर्णय आज़ाद भारत में पहली बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में जो है आज ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, इसके लिए हम जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे गाँव गाँव से हमारा जो है ये आभार प्रस्ताव जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचेगा, इसके लिए कार्यक्रम तय हुआ है। और यह ड्राइव जो है प्रारंभ हो गया है, यह जो अभियान की तरह जो है यह कार्यक्रम यह प्रारंभ हो गया है। और यह जो है यह कोई प्रेशर वाली बात नहीं, स्वेच्छा से गांव-गांव में लोग ऐसा केवल संवाद सुनते के साथ प्रारंभ कर दिए हैं। इसी के साथ हम तो इस झारखंड के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी निवेदन हम कर रहे हैं कि आप भी, यह जो है हमारे आदिवासी बहन को जो है अवसर दिया गया है कि
कि राष्ट्रपति पद के लिए, इसलिए आप भी सारे वेद भाव भावनाओं को छोड़ करके अपने आदिवासी के भावनाओं के साथ जुड़ करके हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप समर्थन करें, ऐसा उनसे हम आग्रह कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे इस झारखंड के अंदर में कई ऐसे आदिवासी समितियां हैं, समाज है, ये सारे समाज की समितियां, समाज के लोग, चाहे सरना समिति हो, केंद्रीय सरना समिति हो, हमारा मुड़मा जत्रा समिति हो, हमारा डोकलो समिति हो, हमारा प्रगनाइत हो, हमारा मुंडा मानकी समिति हो, हमारा संथाल प्रगना का कई प्रकार के साफा होड़ों के हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। हमारे जो है यहाँ कोल्हान के क्षेत्र में कोल्हान महासभा को हो महासभा, ऐसे समिति हैं सारे जगहों से। उन लोगों ने भी ये प्रधानमंत्री जी से वो आग्रह कर रहे हैं कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा अवसर मिला है, इसलिए इस अवसर को चूकने नहीं देना है। इसलिए आप भी यहाँ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि आप भी जो है ऐसे अवसर को चूकने मत दीजिए, इसलिए आप भी समर्थन दीजिए, ऐसा पत्र उनको भी दिया जा रहा है। निश्चित रूप से 18 तारीख को यह मतदान होगा, 21 तारीख को जब यह मतगणना होने के बाद जब विजयी हो जाते हैं, इसके बाद में पूरे देश भर के गांव गांव में जो है मिठाई वितरित होगी। यहां पर अपने नृत्य वाद्य यंत्रों के साथ में हम जो है खुशियां मनाएंगे, अपने जो है जनजाति वेशभूषा भावनाओं के आधार पर उनको जो है हम जो है बधाई देंगे। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम 21 तारीख को चलने वाला है। इसी प्रकार से 24 तारीख को ओथ लेंगे, ओथ लेने के समय में जो उनके लिए जो सरकारी जो है फोटो निर्गत होता है, जो फोटो प्रसारित होता है, उस रंग रूप साइज का फोटो हम गांव में निकाल करके एक जुलूस की तरह जो है हम निकलेंगे, और गांव के जो है सरकारी भवन होते हैं, चाहे पंचायत का भवन होता है, पंचायत सचिवालय होता है, ऐसे जो है ये सरकारी भवन होते हैं, वहाँ पर हम जुलूस के रूप में जा करके इस फोटो को हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। ऐसा हम सबों ने ये कार्यक्रम देश भर में रखा है और झारखंड में भी ऐसा हम रखे हैं, और यहाँ के सारे समिति के लोग से भी हम आग्रह कर रहे हैं, उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र दे रहा है कि आप भी समर्थन दें। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देश के अंदर चाहे हमारे NDA में नहीं है ऐसे भी लोग, सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी जी जिस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ है, जिस प्रकार से जो है संवैधानिक विषयों को समझते हुए वो आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ऐसे अच्छे सुयोग्य उम्मीदवार के नाते विभिन्न दलों के लोग भी समर्थन करने का वादा किया है, संकल्प लिया है। उसके साथ साथ कई ऐसे लोग तो अभी यह भी कह रहे हैं कि अगर पहले ऐसा उम्मीदवार आप उतार रहे हैं, यह पता चलता कि द्रौपदी मुर्मू जी को उतार रहे हैं, तो हम लोग भी अपना उम्मीदवार नहीं देते और इन्हीं को समर देते, लेकिन भी हम लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा भी देश भर से संवाद आ रहा है हमारे NDA के नेताओं के बीच में। इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जो NDA के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारी बहुमत के साथ में यहाँ राष्ट्रपति पद पर जो है वो विजयी बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए देश भर के लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबों के बीच कह सकता हूँ कि यह जो जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा आनंदित है, उत्साह के रूप में आप देश भर में कई जगह यह विजिट करने के लिए जा रही है, वहाँ के नेताओं से मिलने जा रही है, तो हमारा जो है जनजाति समुदाय हजारों हजार की संख्या में अपने पारंपरिक परिधान के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इससे यह लगता है कि निश्चित रूप से ये आज़ाद भारत में ऐसा निर्णय लेना हम आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और अभी हमारे संथाल परगना के देवघर में, बाबा देवघर बाबा नगरी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ भी हमारा जनजाति समुदाय के लोग जगह जगह पर उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करेंगे, पोस्टर के माध्यम से अपने जो है कई प्रकार के जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोग आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दिए हैं कि हमारे झारखंड की धरती में सेवा की हुई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गवर्नर के रूप में, और यहाँ किस प्रकार से उन दिनों में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, वैसे सारे परिस्थितियों के साथ उन्होंने किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हुए या इस राज्य में वो अपना राज्यपाल का भूमिका निभाई है, इन बातों के साथ हमारे इस राज्य के लोग जो है उनको
जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद ज्ञापन करने की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।